मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। भैया जी कहीं मैं कैनॉट प्लेस पे मैं मौजूद, तमाम सारे लोग अब बोलना चाहते हैं, ऑफकोर्स मैं आना चाहता हूं उनके पास, बातचीत का सिलसिला जोड़ना चाहता हूं। देश में जो कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, अभी पाजी ने पूछा कि आज का मुद्दा क्या है, मैंने कहा आज का मुद्दा कुछ यही है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटना घट रही है, या जो कुछ हम देख रहे हैं, या जो कुछ हम सोच रहे हैं, या जो हम लोग सोच कर अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या समाज में कहीं कोई निर्माण कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, जो गलत है, जो सही है उसका उचित कह सकते हैं, ये उचित है, हम सब वही मुद्दे के आसपास हैं। और ये प्लेटफॉर्म और ये जगह वही प्लेटफॉर्म है, वही जगह है जहां पे हम सारी बातचीत एक आपसे और हमसे मिलकर करते हैं। जी क्या नाम है आपका बेटा? अंकित तिवारी नाम है मेरा। जी अंकित कहां से हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूं। कहां से? यूपी से। गाजीपुर। गाजीपुर। गाजीपुर से। जी बताइए। मैं दुष्यंत कुमार जी की कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। क्या बात है। जो चरितार्थ करती हैं इस स्थिति को, इस समय को, और कथाकथित जितने भी मूर्धन्य लोग हैं वो समझ जाएंगे। जी और वो ये है कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है जी। और रक्त वर्षों से नसों में खोलता है, आप कहते हैं छड़ी को उत्तेजना है, आए, आए। और पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, कोई पुल बना है। क्या बात है। और जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, जिस्म तुमने याद दिला दिया दुष्यंत जी के, और जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। मैं आया बेटा जरूर। क्या नाम है आपका? ऐसे जब नौजवान होते हैं, जब नौजवान बोलते हैं, तो मैं जो कहता हूं कि कहीं भी कुछ भी जो गलत है उसके लिए गलत कहना, और जो सही है उसके लिए सही कहना, खड़े होना बहुत अच्छी बात है। जी आप कहां से हैं? सर मैं गोरखपुर से हूं। जी क्या काम करते हैं साहब? सर मैं पुलिस विभाग में हूं। पुलिस विभाग में। जी बोलिए। मैं किसान का बेटा हूं। जी जब भी मैं कोई न्यूज देखता हूं तो उस पे किसान के बारे में कोई चर्चाएं नहीं होती। हाँ। ठीक है जी। अभी इस समय धान की फसल बुआई हो रही है। हाँ। और धान की फसल मानो एक बीघा खेत में धान की फसल तैयार करने में किसान का कम से कम 8 से 10 हजार रुपया का खर्चा आता है। हाँ। और एक बीघे खेत में कितना पैदावार होगा? 12 क्विंटल 14 क्विंटल। उसका रेट क्या मिलेगा जो गवर्नमेंट रेट है? मैं वो बता रहा हूँ, 14 क्विंटल का मिलेगा 28 हजार रुपये, 8 हजार भर के निकल गए। और हर व्यक्ति गवर्नमेंट के यहाँ आप नहीं बेच सकते हैं धान, क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन है वहाँ। जो सोर्स है, पावर है, वही वहाँ धान तोला सकता है, गेहूँ तोला सकता है, बकिया कोई नहीं तोला सकता है। तो इसके लिए सरकार को कम से कम जो किसान फसल अपना पैदा करता है उसके लिए भी एक नियम और कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात मैं आ रहा हूँ बेटा। मैं गया था हिमाचल प्रदेश, मैं वहाँ एप्पल गार्डन गया था, मैं वहाँ की भी बात कर रहा हूँ। वहाँ हम लोग बागीचे में गए और किसान से जब हम लोग सेब खाने की बात की तो 20 रुपये मुझे 4 सेब दिया, और जो क्वालिटी का सेब था वो यहाँ 500 रुपये किलो नहीं मिलेगा। तो बताइए वो पैदा किया उसकी उसको मिला उसका बीच वाले उसका लाभ उठा लेगा। जी ये वैसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बातचीत का सिलसिला कहीं भी शुरू हो, लेकिन कहीं भी कोई भी बात कही जा सकती है। किसान का बेटा है और मैंने बहुत ध्यान से सुना, इन्होंने बिल्कुल जो बात कही वो बिल्कुल मार्के की। 17 हजार रुपये खर्चा आ रहा है और 28 हजार रुपये सरकारी खरीद से अगर होगा धान तो मिलेंगे। और आप बताइए इसमें कौन अपने किसान अपने बेटे को किसान बनाना चाहेगा? जी ऑफकोर्स हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ईद आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के मनाएं, नफरत को खत्म करें। ईद आ रही है। हाँ बकरीद है, मिल के मनाएं सब। मिल के मनाएं। होएगा कैसे ये बता दो जरा, गुरुजी अंदर आओ ये बात बताओ कि होएगा कैसे? हम तो मनाना चाहते हैं मिलके। और ये सब लोग ये जितने बैठे हैं सब कह रहे हैं मिल के मनाएंगे, नफरत नहीं भरनी चाहिए। अरे भाई नफरत तो ना हो। एक रुको भैया आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? दिनेश गुप्ता। दिनेश गुप्ता जी रुको, तो ये मुझे बताइए क्या हो गया? सर होली और दिवाली में तो जब हिंदुओं का फेस्टिवल होता है उस पर तो ये बता दिया जाता है पटाखे मत जलाओ, होली पे पानी वेस्ट करो। हम लोग तो इनको बकरीद ईद सब दिल से मुबारक उसकी देते हैं, लेकिन जब हमारा त्योहार आता है तो उसको एक ताना मार दिया जाता है कि यार दिवाली। ऐसा मैं कह रहा था। क्या नाम है आपका? प्रवीण पांडे। प्रवीण पांडे। और आपका नाम क्या है? अनुराग सिंह। अनुराग जी पांडे जी हम आपको गलत अंदर बुला रहे थे, आप तो पहले बाहर ही समझा के आ जाओ दोनों लोगों को, पहले तो बाहर ही समझ लो दोनों लोग,
फिर अंदर आना। अब करें क्या बताओ, हम पहले तो होली के बाद में बात कर लें क्योंकि होली तो मार्च में आएगी, ठीक है, दिवाली उससे पहले आएगी अभी। लेकिन ये बताओ पहले बकरीद में हम करें क्या जिससे भाईचारा बन जाए और खूब बढ़िया सौहार्द बन जाए और देश बिल्कुल एकदम टनाटन चमकने लगे बिल्कुल एकदम फिर से। सर तो ये तो होता रहेगा, हिंदुत्व का नाम छोड़ना नहीं, मुस्लिम का नाम छोड़ना नहीं इनको। हाँ। और यही होता रहेगा, तो यही होता रहेगा। बड़ी जल्दी मैंने सोचा था पांडे जी बने, मैंने सोचा था पांडे जी बहुत देर तक हथियार पकड़े रहेंगे, लेकिन उन्होंने ढीला होकर छोड़ दिया। करें क्या ये बताओ भाई, जनता के सामने सवाल है, करें क्या? मैं जनता से ही पूछना चाह रहा, मैं आ रहा हूँ। पांडे जी एक हाथ से ताली बजाना चाहते हैं, पांडे जी एक हाथ से ताली बजाना चाहते हैं। देखो पांडे जी, आप पहले रस्सी को उधर ही तय करो, फिर आना इधर। जी सर, मैं गौतम बुद्ध नगर से हूँ, एक किसान का बेटा हूँ जी। अभी बीजेपी ने एक अग्निवीर भर्ती निकाली है 4 साल के लिए जी, ठीक है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ। एक बात बताइए, वो फौजी बेचारे जिनकी पेंशन भी बंद कर रहे हो आप, 4 साल के लिए उन्हें भर्ती कर रहे हो, अरे अपने बच्चों को भेज के देखो ना, जो वो 3 साल में तिरंगा में लिपट के आएंगे, क्या बीतती है उनपे। जब एक क्या काम करते हैं आप? सर मैं बैंक करूँ, बैंक बैंक में करते हैं, बहुत अच्छा। क्या नाम है? दीपक नाम है सर, दीपक। वैसे तो बड़ी लंबी लंबी तकरीरें हो जाएंगी इस पूरे अग्निवीर पर, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है, बाकी आप बहस कुछ भी कर लो, लेकिन मैं अपनी राय भी रख सकता हूँ। अगर कहो तो मैं उधर आ जाऊँ और उधर रख दूँ, मेरी मेरी व्यक्तिगत राय है, बहुत अच्छी स्कीम है इत्मीनान के साथ। मैं बहुत अच्छी मैं कह रहा हूँ, मुझे भी राइट है कहने का, मैं एंकर नहीं बोल रहा हूँ, वैसे मैं कह रहा हूँ उधर आ जाऊँ, मैं उधर आके बोल सकता हूँ। बड़ी अच्छी स्कीम है इत्मीनान के साथ। देखो विरोध करिए सरकार का, खूब करिए। ट्रेनिंग देने का भी अगर 22 लाख रुपया दे रहा है सरकार, है 22 लाख रुपया अगर सीखने का देता है सरकार, अगर अभी कह देता कि 5 लाख रुपया दे के आगे ट्रेनिंग करो तो लाइन लग जाते, लेकिन अगर 22 लाख रुपया दे रहा फिर भी कह रहा है कि नहीं है, 21 साल में कर क्या सकता है, जुआरी बन सकता है, नशेड़ी बन सकता है, और क्या कर सकता है वो 21 साल की उम्र में, क्या कर सकता है। देखिए देखिए मैं अपनी बात कह रहा था, मुझे कहने का हक है, मुझे भी तो मैं बोल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, आपने बैंकर हैं आप, अपनी बात कही है, बहुत अच्छी बात। मैं एक नौजवान की बात और सुन लेता हूँ। पत्थर उठाने को तैयार है 100-200 रुपए में, लेकिन अग्निवीर में भर्ती होने को तैयार नहीं है, ये कौन सी बात हुई? क्या नाम है आपका? आदित्य सिंह। आदित्य कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी लखनऊ। यूपी लखनऊ, क्या कर रहे हैं अभी? रुको भाई सुन लो भाई, नाराज ना हो यार, वो भी अपना ही है, हम वो चाय पियेंगे इसके साथ ही बाद में। स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बाद फिर क्या आगे क्या करना है? एमबीए करना है। एमबीए करना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं मुद्दे पे लौटता हूँ, मुद्दे पे ही आता हूँ, मैं आ रहा हूँ बेटा अग्निवीर आ रहा हूँ, तो मुद्दे पे आता हूँ। और ये बात कही गई कि जो मुद्दा है आज का, जो टॉपिक है आज का, वो ये है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो जिम्मेदार है, और हिंदुओं की रक्षा के लिए या हिंदू अपनी जहां पे उनको लगता है कि खतरा है या सामाजिक तत्व है, उसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया। इन तमाम मुद्दों को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, बातचीत के सिलसिले को जोड़ते हैं, मैं आपकी बात भी सुनता रहूंगा। जी मैं आया जी। देखिए भैया जी, जहां तक हेल्पलाइन नंबर की बात है, तो ये तो हमारा प्राचीन समय से ही चोला काल में हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन हुआ करते थे, सभा और नगर। हमने तो सरकार चुनी है, सरकार चुनी है, तब भी राजा होते थे, तब भी थे राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल द्वितीय, तब भी थे भैया जी। बात क्या है कि वह सभा होती थी व्यापारियों की, उर होता था किसानों का, नगरम होता था एक अलग टाइप के व्यापारियों का, अपना अपना संगठन होता है। अगर सामूहिकता के साथ, इस समग्र चेतना के साथ एक दूसरे की मदद की जाती है तो इसमें हर्ज क्या है? नंबर एक। नंबर दो, देखिए प्रतीक जी, क्या है ना कि ये तुष्टीकरण का ही परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करते हैं लोग, अभी बार बार बोलते रहते हैं भारतीय जनता। मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग भी विरोध करते हैं, जब भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, एक भी योजना बता दी जाए या एक भी उदाहरण दिया जाए कि इससे फला वर्ग धर्म जाति संप्रदाय को वंचित किया गया हो, नहीं है ना? तो फिर आप झूठा प्रलाप क्यों करते हैं? और तीसरी बात, फर्क होता है कानून के हिसाब से। उत्तर प्रदेश को देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी जब से आए हैं, ये वही उत्तर प्रदेश था, अराजकता किस प्रकार से, सांप्रदायिकता किस प्रकार से, दंगे कौन नहीं जानता वो इतिहास। अब देखिए सीएए में पोस्टर लग गए ना, अब कोई नहीं आता सड़क पर। मैं लाइन में मिस कर गया था जब बहस का आगाज कर रहा था, दरअसल मैं आ गया। उन्होंने कहा, बीजेपी के नेता ने, कि ये जो घटनाएं राजस्थान में हुई या महाराष्ट्र में हुई,
यूपी में नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पे योगी हाजी कौन बाबा बुलडोजर बाबा। अच्छा जी, हाँ। क्या है, हाँ यही बुलडोजर। अब उस विकृत अलगाववादी घृणित मानसिकता पर चलाने की जरूरत है जो समाज में जहर बोल